फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. इट्स अ बर्थडे मॉर्निंग, बट इतनी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है. बट हाँ, डॉक्टर के जाना है, दो तीन बातें बतानी है, पैर की सूजन भी बतानी है और कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इन द सेंस वो जो मेरी टांग अकड़ती है ना, उसका दर्द बहुत ज़्यादा है. तो मैं तो बोलूँगी कोई इंजेक्शन दे दो मुझे जिससे वो दर्द चला जाए मेरा. तो चलिए, अब तैयार होंगे, डॉक्टर के जाएंगे, तब मैं ब्लॉक करूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह हो चुकी है, आज सैटरडे है और आज विशाली का अपॉइंटमेंट भी है. हम लोग उठ गए थे थोड़ा जल्दी और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया थोड़ा बहुत, और ऑस्टू निन्नी में अभी तक. मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्लीपिंग पोजीशन देखो ज़रा. तो अभी 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट एक घंटे के बाद हम लोग जाएंगे. एंड अभी विशाली वॉशरूम में आती है तो मैं मिलवाता हूँ. तो ये है मेरी बेबी, इसका आज बर्थडे है. इस बच्चे का आज बर्थडे है. इसको नहीं कह रहा बेटा, मम्मा को कह रहा हूँ. आपको नहीं कह रहा, मतलब मम्मा को कह रहा हूँ. बर्थडे पे किसी का डॉक्टर अपॉइंटमेंट ना हो. हॉस्पिटल में हम आते हैं, यहाँ पर एक कैफ़े है और अभी कुछ खाने का मन करा था तो मैंने मैगी बनवाई है. एंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये मैगी कैसी है. जब तक अभी डॉक्टर आए नहीं तो अभी आई वेटिंग. कुछ खाई ले, भूख लगने लगी थी. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिया. चलो गाइस, मैं खा लेती हूँ. गाइस, इस हॉस्पिटल की इतनी टेस्टी मैगी है, अंदर पेशेंट इतने बुरा बुरा खाना खाएंगे कल को, और ये बंदा बाहर बैठ के इतना टेस्टी खाना खाएगा. देखो जरा कितनी टेस्टी चिली गार्लिक नूडल्स मैगी बनाई है उसने. हेलो, टेस्ट करो, बताओ. मेरे कपड़ों पर मत गिरा देना, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है. ओहो, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है. हाय, करो करो टेस्ट. वाह, मजा आ गया, बहुत टेस्टी है. यार मैं से गिर गई क्या? गिरने दे, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा. कोई बात नहीं गाइस, डॉक्टर चेकअप हो चुका है और हम जा रहे हैं घर की तरफ अब. और कुछ टेस्ट लिखे हैं मेरे, यूरिन टेस्ट वगैरह, क्योंकि मेरे से यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा. तो एक बार डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट बोला है बहुत इम्पोर्टेंटली कि वो आप एक बार करा लो. तो वो मैं इवनिंग में शायद करवाऊंगी, दोबारा आएंगे. अभी तो बहुत भीड़ थी हॉस्पिटल में, इसलिए आई कैन नॉट वेट. तो शाम को दोबारा आएंगे तो देख लेंगे. एंड दैट इज हाउ माय डे इज गोइंग राइट नाउ. व्हाट अ बर्थडे. तो क्या बर्थडे इंजन प्लान है. हम जा रहे हैं हॉस्पिटल टेस्ट कराने वापस. इसने बोला कि दोबारा क्या निकलना, तो वो तो गाड़ी में वेट कर ले और जब तेरा नंबर आएगा तो हम करा लेंगे. तो मैंने बात मान ली है, सही बात है. शाम को अगर मूड नहीं हुआ तो, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी करवा लो टेस्ट, तो करवा लेते हैं. तो मैं आ गई अपना टेस्ट कराने. यहाँ पे मेरे को जाना है, यहाँ पे तो टेस्ट करवाते हैं फिर मैं. इतना ज्यादा खून निकाला ना मेरा, क्या तो मेरा क्या ही बर्थडे, किसी को मेरे पे रहम नहीं आया. बताओ बर्थडे पे लड़की और हल्की कर दी. अब मैं कुछ खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर घर जाते हैं. और क्योंकि मैं पूरा दिन पूरी रात जागी हूँ, मुझे नींद इतनी नहीं आ रही. डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद गाइस सिर्फ ये हल्दीराम ही हमें दिखता है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा होता है. तो अभी अंदर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ. हमारा वैसे पुराना वाला मेन्यू ही है, इसको पार्किंग नहीं मिल रही, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ. मेरा चाहे मेन्यू चेंज होता रहे, इसका मेन्यू चेंज नहीं होता कभी. यहाँ का हल्दीराम का हमेशा यही खाना होता है, इसको मटर कुलचा. गाइस, मेरी मदर इन लॉ ने दिया मुझे आज बर्थडे पे. अच्छा लग रहा है, नाइस कलर, आई लाइक इट.
बट अभी तो इनको सुनाने का कोई फायदा नहीं है, बाद में देखेंगे। यहाँ पर बर्फ की क्रेविंग पूरी होते हुए, क्योंकि आज डॉक्टर ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप बर्फ खा सकते हो जितनी मर्जी, बस बीमार नहीं होना है। इसमें भी इसको लग रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, इतनी अच्छी लग रही है। पैर सूज हुए दिख रहे हैं लेकिन दूर से। कोई बात नहीं। और ये हमारा बच्चा तो जाएगा नहीं, ये देखो ट्रीट ढूंढ रहा है। सो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ इनके कहने पे। वैसे मेरा प्लान नहीं था जाने का, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है और फिर चलते हैं। उसी मैंने ड्रेस पहनी है आज, मैंने बहुत टाइम में शूज पहने क्योंकि ना मेरे पैर बड़े दर्द हो रहे हैं चप्पलों वगैरह में। तो चलिए चले। मेरी क्रेविंग देख गई मेरे लिए आज गिफ्ट लाई है केक रस। अच्छा चॉकलेट। बेसमेंट में है पिरामिड। अरे तीन लेयर हो गए ना। वाओ लगा दो सेंटर में, लगा दो। हां लगा दो। क्या कैंडल है? मैजिक। कल इसकी वो रह गई थी ना इच्छा अधूरी की, कैंडल नहीं लगाई केक पे। अरे और भी कैंडल सारी लगाई बचा के लेके जा रही घर। अरे वो लगा व्हाइट वाली मोमबत्ती इतनी बड़ी। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon we were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. But genuinely बहुत सही केक है, ठीक है। ये मंगवाया है यहाँ से, मूस केक है, बट एक्चुअली में इट इज वेरी नाइस। गुड चॉइस, वेरी बैड चॉइस ऑफ अंकल आंटी। घर के पास ही एक बहुत अच्छा कैफे था, तो हमने वहाँ जाके ट्राई करने का सोचा एंड वी लव्ड देयर फूड एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छी वाइब्स थी, तो इट वाज ऑल गुड। वो हमेशा मैंगो ड्रिंक पीती है। नहीं मैं वैसे इतनी बड़ी सी। इट इज मैचिंग माय टी-शर्ट। ये इस पे है। और ये देख कैसे लगा है। हम यहाँ आए हैं, ऐसे लग रहा है इसकी शेरवानी के बटन। ये बंदा सिर्फ ओरियो शेक पीता है, सिर्फ ओरियो शेक।
को, रात के 12 बज रहे हैं और ये अंकल सब डॉग्स को खाना डाल रहे हैं। कितनी अच्छी, मतलब हम तो कर नहीं पाते क्योंकि हम एक दिन करेंगे दूसरे दिन हमें आलस आ जाएगा, हम थक जाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जिन पे डिपेंड है सारे डॉग्स, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे देख के भाई। बहुत मेरा इतना मन करता ना, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी मैं ले नहीं पाऊंगा, एक दिन कर लेंगे हम। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारी लाइफ और फिर वो बेचारे हमारे चक्कर में वेट करते रहते हैं, बट इतना जरूर है कि जितना भी हो सकता है मैं जरूर करता हूं। हमें कभी दिखता है तो हमें, हाँ मेरे पास बिस्किट गाड़ी में हमेशा ऑलमोस्ट होते ही हैं, कुछ ना कुछ दे ही देता हूँ, पानी पिला दो नहीं तो कुछ ना कुछ तो करो एटलीस्ट जितना कर सकते हो। के साथ मैं व्लॉग करती हूँ यही एंड। रात के 12 बज रहे हैं और ऑस्टिन घर पर वेट कर रहा है, अब मुझे जाके बस लेटना है, सुबह से बहुत हेक्टिक था पूरा दिन। तो मिलते हैं कल, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय गाइस।